जी हाँ दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू हो गए, जहां पहला मुकाबला ओमान वर्सेस पापुआ निगिनी के बीच खेला गया ग्रुप बी को लेकर। आपको बता दिए राउंड का मुकाबला है सुपर 12 का नहीं, जहां ओमान वर्सेस पापुआ निगिनी यहां पर अपनी बढ़त बनाने के लिए और अपनी जगह सुपर 12 बनाने के लिए भिड़ती नजर आई। फर्स्ट इनिंग के दौरान दोस्तों स्कोर बहुत ही लो देखने को मिला, सबकी निगाहें ओमान की पिच पर टिकी हुई है कि वहां की पिच का हाल क्या है, क्योंकि वहां पर से उम्मीदें हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले की, क्योंकि यूएई की पिच पर आपने हाल ही में देखा आईपीएल के मुकाबले जो ज्यादा हाई स्कोरिंग नहीं गए, 170-160 का एवरेज निकलकर सामने आया। तो वहीं पापुआ निगिनी के और ओमान के बीच इस मुकाबले में सबकी निगाहें ओमान की तरफ ही थी। तो आइए दोस्तों आपको सारी जानकारी देते हैं फर्स्ट इनिंग के दौरान मैदान पर क्या कुछ घटा, कैसे दोस्तों ओमान वर्सेस पापुआ निगिनी का ये मुकाबला और भी मजेदार कर दिया गया है गेंदबाजी के दम पर। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। आप सभी को बता दें ओमान वर्सेस पापुआ निगिनी कुछ ऐसी टीमों के इस बार आपको नाम सुनने को मिलेंगे दोस्तों आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में, जो इससे पहले शायद ही आपने सुने होंगे। वैसे देश के नाम तो सुने होंगे लेकिन आपने पहले नहीं सोचा होगा ये क्रिकेट टीम भी सामने ला सकते हैं। वहीं उनमें से कुछ है ओमान और पापुआ निगिनी की। इस बार स्कॉटलैंड नजर आएगी, इस बार नामीबिया नजर आ रही है वहीं, लेकिन अभी इनको आगे सुपर 12 में जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। शुरुआत से जानकारी दें दोस्तों तो यहां पर राउंड लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जो भी टीम आगे बढ़ती नजर आएगी उनको यहां पर सुपर 12 में जगह मिलेगी। तो इसी बीच ओमान वर्सेस पापुआ निगिनी के बीच दोस्तों एआई एमिरेट क्रिकेट ग्राउंड मिनिस्ट्री टर्फ 1 एआई एमिरेट के मैदान पर खेला गया ये मुकाबला, जहां टॉस जीतकर ओमान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ओमान और पापुआ निगिनी यानी कि पीएनजी की प्लेइंग 11 की बात करें तो पापुआ निगिनी की प्लेइंग 11 दोस्तों टोनी उरा, असद वाला जो कि कप्तान है, इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़े तो यहां पर चार्ल्स एमिने, लेगा सिसिका, नॉर्मन वनुआ, सेसा बहुआ, सिमरन अताई, किपिन दोरिगा जो विकेट कीपर है, नोसुना पोकाना और डोमिना रायु और कवियु मौर्या देखने को मिले। तो वहीं ओमान की प्लेइंग 11 में दोस्तों कप्तान जीशान मकसूद के साथ जतिंदर सिंह, खवार अली, आकिब एलियास, कश्यप प्रजापति, नसीम खुशी, मोहम्मद नदीम, आयान खान, संदीप गोद, कलीमुल्ला और बिलाल खान देखने को मिले। वहीं आपको बता दें इस मैच के रेफरी रंजन मदगुले और थर्ड एम्पायर दोस्तों हमें देखने को मिले रिचर्ड के नाम से। अब आगे बढ़े तो यहां पर पहले पापुआ निगिनी बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, जहां शुरुआती दोस्तों यहां पर बढ़त कहीं ना कहीं ओमान ने बनाई, क्योंकि मैच की पांचवी और नौवीं गेंद पर दो विकेट झटक लिए ओमान ने। यहां पर तोनू अहूरा का बिलाल खान ने विकेट लिया, पांच गेंदों का सामना कर रहे थे तोनू अहूरा पहले ओवर में ही, फिर उसके बाद लेगा सियाका का दोस्तों विकेट कलीमुल्ला ने लिया। यानी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत शानदार गेंदबाजी के दम पर हुई, ना कि बल्लेबाजी पर। उसके बाद दोस्तों यहां पर आए खुद कप्तान यहां पर नजर आए यहां पर पारी को संभालने के लिए, जो कि वैसे तो ओपनिंग करने आने वाले थे लेकिन नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। तो नंबर चार पर उनके साथ चार्ल्स एमिनी बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुरुआत में दोस्तों इनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन करते करारे ये 10 गेंद खेलने के बाद हो गए थे सेट और ताबड़तोड़ पारी शुरुआत कर दी। मैदान दिखने में शानदार था, थोड़ा बड़ा स्टेडियम था, लेकिन यहां पर असद वाला ने शानदार पारी खेली, 53 गेंदों में 56 रन की इन्होंने पारी खेली, 4 चौके 3 छक्के की मदद से। वहीं चार्ल्स ने दोस्तों इनके साथ 26 गेंदों में 37 रन की एक अच्छी साझेदारी करी। शुरुआत में दो विकेट जल्दी गिर जाने के बावजूद भी तीसरा विकेट आते आते दोस्तों यहां पर 81 रन बन चुके थे। 12वें ओवर की तीसरी गेंद हो चुकी थी, तब तक यहां पर पापुआ निगिनी ने 81 रन बटोर लिए थे, यानी कि शुरुआत के दो ओवर में कोई भी रन नहीं था। उसके बाद अगर 12वें ओवर तक आपके 81 रन बन रहे हैं तो यानी कि आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी है। खास बात यह थी कि इस मैदान पर जहां सिंगल चुराना मुश्किल था, वहां पर असद वाला ने 3 छक्के लगाए तो भाई चार्ल्स एमिने ने 1 छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों जब इनकी विकेट कलीमुल्ला ने असद वाला की विकेट ली और चार्ल्स एमिने एक तरीके से रन आउट हुए। अगर वो रन आउट नहीं होते चार्ल्स एमिने तो दोस्तों यहां पर इनके दोनों के बीच पार्टनरशिप बहुत तगड़ी जा रही थी और ये पार्टनरशिप अंत से पहले नहीं रुकती, कम से कम 15 ओवर तक तो ये पार्टनरशिप जाती ही जाती। लेकिन थोड़ा थोड़ा वो यहां पर मिस कॉम्बिनेशन हुआ, थोड़ा मिसलीड हुए, चार्ल्स एमिने की विकेट मोहम्मद नदीम ने रन आउट के रूप में ली। उसके बाद सेसा बहुआ खेलने के लिए बल्लेबाजी करने के लिए सामने से असद वाला की विकेट अब कलीमुल्ला ने ली, कैच पकड़ी थी जतिंदर सिंह ने। सेसे बहुआ की विकेट दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हुए यहां पर हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने 13 गेंदों में 13 रन तो बनाए 2 चौके की मदद से, लेकिन जीशान मकसूद ने दोस्तों इनका विकेट लिया। नॉर्मन वनुआ आए थे 2 गेंदों में 1 रन का सामना करा, जीशान मकसूद ने उसी ओवर में इनका विकेट लिया। उसके बाद सिमरन अताई आए, 5 गेंदों में 3 रन बनाया था, बिलाल खान ने इनका विकेट लिया। लास्ट में दोस्तों जीशान मकसूद ने धारदार गेंदबाजी करते हुए किपलिन और डामिने की विकेट भी ली, जो कि 0 और 1 रन बनाकर गए। उसके बाद लास्ट में कबुआ ने 7 रन और पोकाना ने 5 रन बनाए। ऐसे करते कराते 120 गेंदों में 129 का ही स्कोर बनाने में कामयाब रही पापुआ निगिनी की टीम पहली पारी के दौरान।
गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी दोस्तों पिच के लिए बहुत मददगार साबित हुई, लेकिन अगर इंडिया की मैचों की बात करें तो इंडिया के दोस्तों यहां पर ओमान की पिच पर मुकाबले नहीं है, इंडिया के ज़्यादातर यूएई के दुबई के मैदान पर ही मुकाबले होंगे। बिलाल खान और कलीमुल्ला ने दो दो विकेट झटके, वहीं जीशान मकसूद ने 4 ओवर 20 रन देते हुए 4 विकेट झटके। अगर इनकी जगह दोस्तों हमारे शमी या फिर बुमराह हो तो समझ जाइए कि कितनी खतरनाक ये पिच उन दोनों गेंदबाज के लिए बना देंगे सामने वाले बल्लेबाजों के लिए। अब दोस्तों यहां पर आपने हाल देख से 129 रन का यहां टारगेट दिया है पापुआ निगिनी ओमान को, अब 130 बनाने हैं ओमान को अगर राउंड लीग का मुकाबला ये जीतना है। लेकिन आपके मन में अब भी कुछ सवाल चल रहे होंगे कि यहां से क्या कौन सी टीम आगे बढ़ती नजर आएगी, तो चलिए आपको दोस्तों वो भी क्लियर कर देते हैं। इस बार टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, इसमें 8 टीमें क्वालिफायर स्टेज के 2 ग्रुपों में बटी हैं, जबकि 8 सुपर 12 के ग्रुप 2 ग्रुप में बटी हैं। क्वालिफायर स्टेज की 8 टीमों में से 4 टीमें सुपर 12 में अपनी जगह बनाएंगी, यानी क्वालिफायर ग्रुप ए में दोस्तों श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और नामीबिया भी है, तो क्वालिफायर ग्रुप बी में बांग्लादेश, स्कॉटलैंड, पापुआ निगिनी और ओमान है। अभी मुकाबला आपने दोस्तों पापुआ निगिनी और ओमान का देखा, शाम वाला मुकाबला बांग्लादेश और स्कॉटलैंड का होगा, और हर टीम अपने अपने ग्रुप की बाकी टीमों के साथ एक एक मैच खेलेगी। इस तरह दोनों ग्रुपों में कुल 12 मैच खेले जाएंगे, इसके बाद दोनों ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली दो दो टीमें सुपर 12 में जाएंगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अगर वहीं बात करें सुपर 12 की, तो दोस्तों पहले से ही सुपर 12 के ग्रुप एक में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज पहुंच गई है। अभी इसमें ग्रुप ए से 1 टीम आनी बाकी है और ग्रुप बी से 1 टीम आनी बाकी है। वहीं सुपर 12 ग्रुप 2 में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान पहुंच गई है। अभी ग्रुप बी 1 से दोस्तों यहां से 1 टीम आनी बाकी है और ग्रुप ए 2 से यहां से 1 टीम आनी बाकी है। तो ये बात क्लियर है कि यहां से 4 टीमें आगे बढ़ती नजर आएंगी, लेकिन अब हर एक मुकाबला आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए काफी नजदीक लेकर जाता नजर आएगा। अब किस फॉर्मेट में खेला जाएगा दोस्तों आपको बता दें, सुपर 12 में मुकाबले राउंड रॉबिन के आधार पर खेले जाएंगे और यहां पर भी जीतने वाली टीम को 2 पॉइंट्स मिलेंगे और नेट रन रेट भी यहाँ पर मायने रखेगा। और जीत का फैसला दोस्तों अगर टाई होता है तो सुपर ओवर के साथ ही होगा, क्योंकि टी20 मुकाबले में ज़्यादातर यही होता है। जीतने वाली टीम को आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जो जीतेगा उसको $1.6 मिलियन यानी करीब ₹12 करोड़ मिलेंगे। इस सीज़न की बात करें तो DRS की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, हर पारी में 2-2 DRS यहाँ पर मौजूद रहेंगे। रिजर्व डे की बात रही, अगर कोई बारिश या कुछ दिक्कत होती है तो सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में रिजर्व डे लागू किया जाएगा। इस बार दोस्तों कई टीमें नई नज़र आ रही हैं इन मुकाबलों में, जहाँ पर ओमान की बात कर लें, नामीबिया की बात कर लें, स्कॉटलैंड की बात कर लें, ये सब टीमें अब काफ़ी मतलब पहले भी कर चुके हैं जद्दोजहद, लेकिन कोरोना की वजह से या काफ़ी कुछ दिक्कतों की वजह से इन सभी को मेहनत मशक्कत करते वक्त यहाँ पर आना पड़ता था, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाती थी। इस बार दोस्तों वैसे तो भारत देश में टी20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ओमान और यूएई की पिच को यहां पर पहली पसंद माना गया बीसीसीआई के नज़रिए से कि यहां पर मुकाबला कराया जाए। तो ये था दोस्तों फर्स्ट इनिंग का हाल। पापुआ निगिनी ने बल्लेबाजी करते हुए 129 बनाए हैं 9 विकेट के नुकसान पर, 130 बनाने हैं ओमान को। आकिब अलियास और जतिंदर सिंह ओपनिंग करते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर बिना 1 ओवर में विकेट खोए 8 रन इन्होंने बटोर लिए। बाकी की जानकारी दोस्तों आपको पूरे हाईलाइट के दौरान मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ आईसीसी मैंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।